जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड टीचर भर्ती के बारे में, किस प्रकार आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर लगे रहते नहीं होते एक लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर लगे रहें, मैं आपको पूरी तरह से वीडियो में ऑनलाइन फिलअप को बताएंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स आपको JSSC करके टाइप करना होगा। उसके बाद आपको लिखा हुआ देखिए नीचे में स्क्रॉल डाउन कीजिए, सेकंड स्टॉप जो है उसमें आपको लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए सेकंड नंबर में आपको लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर JPTCC अप्लाई, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपको आप मोबाइल से फिल करें तो आपको देखिए यहाँ डैशबोर्ड साइट लिखा हुआ, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ ब्लू कलर का न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, उस पर आपको क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करने के बाद आपको पूरी तरह से फॉर्म खोल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको पूरी तरह से इस वीडियो में फॉर्म फिलअप के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला यू आर द इंडियन सिटीजन, आप उसके बाद लिख रहा आप यू आर झारखंड, तो आपको यस करना, आपको किस डिस्ट्रिक्ट से आप रहते हो टाइप करना होगा। उसके बाद BC1 BC2 आपको जो है PH है 83 या 9 के जगह। उसके बाद फ्रेंड्स पारा टीचर है, टीचर जो है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस यानी पारा टीचर का आपका कितने दिन तक एक्सपीरियंस है वह यहाँ पर आपको फिल कीजिएगा। आपके पास पारा टीचर का यदि पुराना कागज़ है वह देख लीजिएगा कितने दिन तक अभी तक हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम, जो कैंडिडेट पारा टीचर है उस कैंडिडेट का यहाँ पर नाम फिल करना होगा। मैट्रिक के अंक पत्र में जो दिया गया नाम उसी नाम के स्पेलिंग से ही होना चाहिए, वही नाम देख कर आपको भरना होगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर नाम फिल करने के बाद उसके बाद फादर का नाम फिल करना होगा। तो चलिए मैं फादर का नाम फिल कर रहा हूँ। फादर का नाम फिल करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, उसके बाद मेल फीमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो DOB है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना होगा। ईमेल आईडी आपका जो मोबाइल में ईमेल आईडी लॉगिन है वह फिल कीजिएगा, ताकि उसमें एक OTP आएगा, ताकि आपको OTP देने में सुविधा होगी। तब OTP देंगे तब आपका फॉर्म सेकंड स्टेप खुलेंगे। तो चलिए मेरा जो ईमेल आईडी है वह ईमेल आईडी यहाँ पर सही सही देख के फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले ईमेल आईडी फिल कर रहा हूँ। ईमेल आईडी जैसे फिल होगा उसके बाद देखिए आपको यहाँ कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं कैप्चा फिल कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे वीडियो पर लगे रहें। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ सबमिटेड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले मैं कैप्चा फिल करता हूँ 852B2G। तो चलिए फ्रेंड्स मैं कैप्चा फिल कर रहा हूँ, कैप्चा फिल हो गया। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेट एक बार पूरा तरह सब फॉर्म देख लीजिए, कहीं मिस्टेक है या नहीं है आप पूरी तरह से चेक कर लें। यदि मिस्टेक है तो फिर से दोबारा इसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ओके कीजिएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ जाएगा। यो रजिस्ट्रेशन नंबर ही था आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर 12970 5153। उसके बाद आपको फिर से आपको देखना लॉगिन पर क्लिक करना है। आपका ईमेल आईडी में एक OTP गया है, OTP 5 डिजिट का होगा, वह फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए मेरा जो OTP है मैं OTP को फिल कर रहा हूँ ईमेल वाला, देखिए उसको लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ लैंग्वेज आपका 1 में क्या रखना है, 2 में क्या रखना है। तो चलिए मेरा लैंग्वेज 1 में हिंदी, लैंग्वेज 2 में खरठा। उसके बाद आपको जो रखना है लंकुरी है, संथाली है। उसके बाद मेल मेरिड एंड मेरिड यहाँ पर टाइप करना। उसके बाद आइंटिक मार्क आपको जो एंटिक मार्क यहाँ पर आपको एक देना होगा यहाँ पहले ओके फ्रेंड्स। उसके बाद आपको फादर का नाम यहाँ टाइप करना होगा। फादर का नाम टाइप करने के बाद उसके बाद मदर का नाम टाइप करना होगा। मदर का नाम टाइप करने के बाद चलिए मैं मदर का नाम टाइप कर रहा हूँ। मदर का नाम टाइप करने के बाद
तो चलिए पहले मदर का नाम फिल करने दीजिए। मदर का नाम फिल हो गया, फादर का नाम फिल हो गया, मदर का नाम मिस्टेक हुआ, फिर से फिल कर रहा हूँ मदर का नाम। जी मदर का नाम फिल हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ एक आइंटेक मार्क जो आपका शरीर का चिन्ह है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। कट मार्क या तिल जो आपका निशान है वो यहाँ पर आपको एक फिल करना होगा। फिल करने के बाद उसके बाद नीचे इसको लर्न करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर टाइप करना होगा। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको एक एंटिंग मार्क यहाँ पर देना होगा। फर्स्ट सेकंड दो लिखा होगा लेकिन आप एक ही दीजिएगा, एक ही हिसाब का हो जाएगा। तो चलिए मेरा एंटिंग मार्क हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस जो आपका प्रेजेंट एड्रेस आधार कार्ड में दिया हुआ है वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कीजिएगा। देख के एड्रेस मिस्टेक नहीं कीजिएगा, आपको सही फिल कीजिएगा। और आधार कार्ड से एड्रेस फिल करेंगे तो मेरा जो आधार कार्ड में एड्रेस है मैं आधार कार्ड का देख के फिल कर रहा हूँ, आप भी करेंगे तो उसमें आपको लिखना क्या विलेज पोस्ट पीएस और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड मेंशन जरूर कीजिएगा और स्टेट झारखंड। तो आप जिस स्टेट से आप भर रहे हैं उस स्टेट का भी यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद फिल करने के बाद उसमें आपको यदि आपका सेम एड्रेस है तो आपको करना क्या सारा उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ कॉपी लगा, उसके बाद नीचे में जो लिखा हुआ है कॉरस्पोंडेंट एड्रेस उस पर आपको पेस्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आपको सारा डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना होगा। आपका जो पहला डिस्ट्रिक्ट है वो आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वह डिस्ट्रिक्ट आपको पहले फिल करना है। उसके बाद आपको सेकंड थर्ड जो आपको फिल करना है वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल कर दिए। उसके बाद लिखा पोस्ट चॉइस आपको इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको देखना है जो पास्ट लिखा हुआ है यहाँ पर 10+2 हायर सेकेंडरी ये बढ़िया देख लीजिएगा और आपका जो वही पर फिल कीजिएगा। उसका फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नीचे है उसमें सबमिट करना होगा। तो चलिए मैं कैप्चा फिल कर लें और सबमिट एप्लीकेशन क्लिक किया। उसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। लिखा देखिए योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद प्लीज़ पेमेंट योर 24 आवर्स। तो चलिए फ्रेंड्स कैसा रहा मेरा वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं वीडियो आपके लिए लेता आऊँगा ताकि आप फॉर्म फिलअप करने में कोई परेशान कठिनाई ना हो। फिर मिलते हैं कोई टॉपिक में, तब तक ले जाइए। जय हिंद जय झारखंड।